पाटण्यात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत भाजप विरोधात एल्गार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विरोधकांच्या ऐक्यातून नरेंद्र मोदींना रोखण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम तयार करून लढण्याची तयारी सुरू करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण आणि जागा वाटप याचा निर्णय मात्र अद्याप झालेला नाही. येत्या जुलैला पुढची बैठक ही शिमल्यात होणार आहे. दिल्लीत लागू करण्यात आलेल्या वटहुकुमावर पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्यावर बैठकीत वाद झाल्याची देखील माहिती मिळते. पाहूयात. नरेंद्र मोदी भाजपा विरोधात एल्गार करण्याची विरोधकांची घोषणा. किमान समान कार्यक्रम तयार करून एकत्र लढण्याची खरगेंची घोषणा. देशहितासाठी मतभेद सोडून पुढे जाऊ शरद पवार. देशात हुकुमशाही आणणाऱ्यांविरोधात एकत्र लढणार उद्धव ठाकरे. पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराबाबत मात्र बैठकीनंतर भाष्य नाही. जागा वाटपाबाबत 12 जुलैला शिमल्याच्या बैठकीत होणार चर्चा. भाजपाकडून बैठकीवर टीका. 300 पेक्षा जास्त जागा येतील. शहा 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला रोखण्यासाठी देशातील 15 प्रमुख विरोधी पक्षांची बैठक पाटण्यात पार पडली. या बैठकीला राहुल गांधी, नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, मेहबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या नेत्यांची उपस्थिती होती. बैठकीत काही प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातून पवार, ठाकरेंसोबतच सुप्रिया सुळे, प्रफुल्ल पटेल, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत हेही नेते या बैठकीला उपस्थित होते. नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात एल्गार. देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र लढण्याचा निर्धार. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा एकत्र लढण्याची रणनीती ठरणार. लोकसभेत 400 जास्त जागी भाजपा विरोधात एकच उमेदवार देण्याचा प्रयत्न. लोकसभा निवडणुकात भाजपाला किमान 100 जागांवर रोखणार. जागा वाटपाचा निर्णय शिमल्याच्या बैठकीत घेतला जाणार. किमान समान कार्यक्रम ठरवून त्यानुसार आघाडी होणार. बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सगळ्याच नेत्यांनी 2024 साली पुन्हा मोदी सरकार आलं तर देशात हुकुमशाही येईल असा इशारा दिला. विचारधारेच्या लढाईसाठी आणि धर्मनिरपेक्ष भारतासाठी एकत्र येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है. मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं. और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है. और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी. आज देश में दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं. जहां नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां भारतीय जनता पार्टी हो और इस को एक सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की साजिश जगह जगह पर हो रही है. समाज के एकता स्रोत ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का और इससे सामना करना हो तो इनका सामना करना चाहिए. और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं. और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर
आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए हैं। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। या बैठकीत दिल्लीत केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाला विरोध करण्यासाठी सर्व विरोधकांनी पाठिंबा द्यावा अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून करण्यात आली। त्याला उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी पाठिंबा दर्शवल्याचं सांगण्यात येत आहे। यावरून बैठकीत वादही झाल्याचं सांगण्यात येत आहे। उमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरातील 370 कलम हटवण्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केल्याचं सांगण्यात येत आहे। बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेलाही केजरीवाल उपस्थित राहिले नाहीयेत, मात्र तरी ऐक्य घडेल असं सांगण्यात आलंय। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक्तदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है, ये नहीं लड़ी जा रही है, ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं, और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। ही बैठक सुरू असताना दुसरीकडे भाजपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2024 निवडणुकीत भाजपाला 300 जास्त जागा मिळतील असा विश्वास व्यक्त केलाय। तर ज्या मेहबूबा मुफ्तींवरून भाजपावर टीका करणारे उद्धव ठाकरे त्यांच्यासोबत जाऊन बसलेत अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे। राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आणि कुटुंबाला वाचवण्यासाठी हे सगळं एकत्र आल्याची टीकाही करण्यात आली आहे। पण एका गोष्टीचं मला आश्चर्य वाटतं की सातत्याने मेहबूबा मुफ्तीच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाला टोमणे मारणारे उद्धव ठाकरेजी आता मेहबूबा मुफ्ती सोबत तर चाललेच आहे, पण त्यांच्या बाजूलाच बसले आहेत। त्याच्यामुळे सत्तेकरता आणि परिवार वाचवण्याकरता, परिवारवादी पार्टी वाचवण्याकरता सगळ्या प्रकारचे कॉम्प्रोमाइजेस करण्याकरता हे तयार आहेत, पण याचा कुठलाही परिणाम होईल असं मला बिलकुलच वाटत नाही। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना चाहिए।